फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि जो भी बिजनेस आप शुरू करें, जो भी स्टार्टअप आप शुरू करें, वो सफलता की बुलंदियों तक पहुंचे और आपने जिस ख्वाब के साथ, जिस मकसद के साथ उस एंटिटी को शुरू किया था, वो मकसद पूरा हो जाए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और ये वीडियो आपके ही लिए है। हाय, दिस इज अनुपम, बिजनेस एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग मोटिवेशनल बुक 7 इच्स टू विन फॉरएवर। दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने की अथॉरिटी कहां से आती है, तो मुझे अथॉरिटी आती है मेरी डिग्री की वजह से, मेरे सर्टिफिकेट की वजह से। दोस्तों, मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, बिजनेस एजुकेटर हूं। मैं, मेरा पूरा दखल है, मेरा पूरा अधिकार क्षेत्र है कि एक एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है और बिजनेस को कैसे कामयाब किया जाता है। ये मेरे स्टडी का, ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, तो यहां से मुझे अथॉरिटी मिलती है इस तरह के वीडियोज आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी बुलंदियों तक पहुंचे, आपने जिस इरादे के साथ अपना बिजनेस शुरू किया है, वो इरादा आपका कामयाब हो जाए, तो दोस्तों ये तीन बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तीन बातें अगर मिसिंग है आपके बिजनेस एलिमेंट से, तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं, वो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपके बिजनेस को सफल बना सकती हैं और आपके ख्वाब को, आपके मकसद को पूरा कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, ये चेकलिस्ट है, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो बिजनेस आपने शुरू किया है वो आपका पैशन है या आपने किसी जरूरत की वजह से बिजनेस शुरू किया है। दोस्तों, आपके बिजनेस की सफलता और आशातीत सफलता जो आप मानकर चल रहे हैं, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बिजनेस आपके पैशन की देन है या फिर आपके जरूरतों की देन है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपका पैशन है या आपकी जरूरत है? क्यों? क्योंकि अगर ये आपका पैशन है तो निश्चित रूप से आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे और इस बिजनेस को उस बुलंदी तक ले जा पाएंगे जिस बुलंदी का ख्वाब देख करके आपने बिजनेस शुरू किया है। लेकिन अगर आपने ये बिजनेस जरूरतों के लिए शुरू किया है तो क्या होगा? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस पैशन की वजह से शुरू किया है, तो आप हर वो बारीकी जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, हर वो एक्यूमेन जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, आप सीखने के लिए हर समय हर क्षण तैयार रहेंगे। एक बिजनेस क्या सैक्रिफाइसेस ले सकता है? वो सैक्रिफाइस आप करने को तैयार रहेंगे, पूरा समय देने को तैयार रहेंगे, पूरी तरह से पैशनेट होंगे और हर वो चीज आप सीखेंगे, आप निरंतर सीखते रहेंगे जो आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रेटजी में बदलाव करने से हिचकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस अपनी जरूरतों की वजह से शुरू किया है, तो इसका मतलब वहां पर पैशन का अभाव है, पैशन की कमी है, पैशन नहीं है। और अगर पैशन नहीं है तो बिजनेस आप उस तरह से कतई नहीं रन कर पाएंगे जिस तरह से आप अपना बिजनेस तब रन करते जब आपने पैशन की वजह से अपना बिजनेस शुरू किया होता। अब आप सीखने को तैयार नहीं होंगे, आपका फोकस सिर्फ इस बात पे होगा कि आपके बिजनेस कैसे चल जाए, कैसे ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, कैसे ज्यादा सेल हो जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी जरूरतें पूरी हो सके। तो दोस्तों, याद रखिए, बिजनेस जरूरतें पूरी करने के लिए शुरू नहीं किया जाता। अब अगर आपने जरूरतें पूरी करने के लिए बिजनेस शुरू किया है, तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे, कभी भी इन बातों का मतलब नहीं समझ पाएंगे दैट हाउ टू डिलीवर मोर टू योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू मेक इट अ रिप्यूटेड ब्रांड इन द मार्केट, एक विश्वसनीय ब्रांड कैसे बना दें इसे मार्केट में, अपना बिजनेस ग्रो कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कैसे करें अपने कस्टमर्स को, ये भावना आपके अंदर आएगी नहीं और कभी भी आप इस बात को सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला एसेंशियल है, सबसे पहली चेकलिस्ट है, वो ये चेक करना कि कहीं आपका बिजनेस आपकी जरूरतों की देन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो खबरदार, संभल जाइए, पैशन डेवलप करिए। अगर पैशन नहीं होगा तो आप उस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए दूसरी बात अब आपसे शेयर करता हूं। दूसरी बात है कि क्या आप बिजनेस एक्यूमेंट सीखने के लिए और निरंतर सीखते रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप निरंतर सीखते रहना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बिजनेस में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। स्ट्रेटजी जिसके साथ आपने शुरू किया था, शायद आपको बदलने की जरूरत हो और बार बार बदलने की जरूरत हो। तो अगर आपने जरूरतों की वजह से बिजनेस शुरू किया है, तो आप कभी भी इतना पेन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपका पैशन है, तो इसे आप चला कर दम लेंगे। आप
हर वो संभव प्रयास करेंगे जो प्रयास आपके बिजनेस को कामयाब कर सकता है, आपके ख्वाब को पूरा कर सकता है। तो आप हर वो सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी होंगे, हर एक्विपमेंट सीखने के लिए आप पूरी तरह से हमेशा तैयार रहेंगे, रेडी होंगे। कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, आपके बिजनेस जिस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं उस सेक्टर के किसी भी होने वाले वर्कशॉप में आप उत्साह से पार्टिसिपेशन करना शुरू करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वहां भी निरंतर सीखते रहने की कोशिश करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो। आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये वो दूसरी बात थी, ये वो दूसरा इंग्रेडिएंट है जो आपके बिजनेस एंटिटी को आशातीत सफलता दिला सकता है। अब चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं तीसरी मुख्य बात। क्या आप अपने को सफलता पूर्वक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का को लीड करते हुए इमेजिन कर सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सफल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से चलती है, जिस तरह से ऑपरेट करती है, क्या आप उस चीज को अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं? अगर इमेजिन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे। क्या आप अपने बिजनेस का सबसे आखिरी रिवार्डिंग मोमेंट जो भी होगा, क्या उस मोमेंट की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं? अगर हाँ तो निश्चित रूप से आप बिजनेस को सफल बना देंगे, आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। शुरुआत में आपको पैसा हाथ लगे ना लगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने वो आखिरी रिवार्डिंग मोमेंट देख लिया है जिसके आगे अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप निश्चित रूप से पूरा दम लगाएंगे और तब तक दम लगाते रहेंगे जब तक आप कामयाब ना हो जाए। तो दोस्तों, ये वो तीन बातें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस को सफल बना सकती हैं। दोस्तों, आप भी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करिए और देखिए कि क्या तीनों बातें जो मैंने आपसे शेयर करी हैं वो आपके बिजनेस में हैं या नहीं है। अगर हैं तो आपके बिजनेस को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।